साथ बदलते भारत की शान। स्वागत है आपका कृषि विशेष में, मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे आदि महोत्सव की। जी हाँ, आदि महोत्सव जिसका आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी समाज की कला संस्कृति और उनकी प्रतिभा को एक मंच देना, ताकि इस प्रतिभा के माध्यम से उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो, उनकी आमदनी में वृद्धि भी हो, साथ ही उन्हें एक पहचान भी मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इसी आदि महोत्सव के तमाम रंग। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इंसान हमेशा से मनोरंजन प्रेमी रहा है। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, मनोरंजन के माध्यमों में बदलाव आता गया। हमारे पूर्वजों के जमाने में जिस तरह के नाच गाने होते थे, वो आज नहीं हैं। हालांकि गीत संगीत आज भी मौजूद है। ए ढोलो मारो अलबर से आयो ए बिछिया बाजना ला। भारत विविधताओं का देश है। यही विविधता यहाँ के लोक गीतों और नृत्यों में झलकती है। आज हम सब यहाँ जिला कोंडा गांव के माद्री नृत्य को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमें आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी आज ये दूसरा अवसर है कि हम आदि महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। पिछले साल भी हम यहाँ पे आए थे आदि महोत्सव में, जहाँ माननीय श्री प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे, और इस साल भी बहुत सम्मान की बात है कि हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और इस नृत्य की शुरुआत विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ नवा खाई होता है। जैसे हम फसल बोते हैं धान का, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो हमारे धान का जब नया फसल आता है तो उसमें एक पर्व मनाते हैं, एक पूजन होता है, उसको बोलते हैं नवाखई। नवाखई के उपलक्ष्य में इस नृत्य की शुरुआत करते हैं और उसके बाद ये चलते रहता है। शादी ब्याह मेला बड़ई आदि आदि स्थानों में कार्यक्रम होते रहता है और हम करते रहते हैं। ये नाटो नृत्य पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला का है। युद्ध से पहले भगवान शिव जब तांडव नृत्य किया, उसी तांडव नृत्य से ये नाटुआ नृत्य। हम लोग नाटो नृत्य पहले जो शिवरात्रि हर साल होते हैं उसमें हम लोग करते थे। चड़क पूजा में जो बैशाख मास से चड़क पूजा होता है शिव गांजन, उसी में हम लोग ये नाटवानित्य करते थे। ये नाटवानित्य
बहुत ही परंपरा है। हमारा दादाजी करते थे, मेरे पिताजी करते थे, मैं भी अभी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग इंडिया में ये ग्रामीण का जो ट्रेडिशनल डांस नाटुआ, ये अभी शहर में हम लोग को सुजोग देते हैं डांस करने के लिए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत हम लोग को अच्छा लगता है। इसलिए हमारा पूरा टीम से बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा जो ऑफिशियल लोग है प्रयागराज से जो आए हुए हैं, NGCC डायरेक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये ग्रामीण कलाकार को दिल्ली में सुजोग देते हैं। इसलिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। ये विक्की है, राजस्थान के सीकर से आए हैं। इन्हें विशेष रूप से कठपुतली के शो दिखाने के लिए बुलाया गया है। काफी समय से इस काम को कर रहे हैं और अपनी कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं। कूद पड़ो मेरा माय साइकिल पंचर कर लायो, ये ढोलो मारो अलबर से आयो ये बिछिया बाजना। मेरा नाम विक्की भट्ट पापेटियर है और मैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित हूँ। और हमारे खानदानी काम है ये कठपुतली बनाना, कठपुतली सिखाना, ये हमारा परंपरा से चली आ रही है। पहले की जो राजा रजवाड़ों की जो योजना निकलती थी उस मीटिंग के अंदर, मीटिंग में जो भी बातें निकलती थी ना, जो हमारे कठपुतली के जो हमारे दादा परदादा है उनके ग्रैंडफादर थे, तो उनको बुलाया जाता था। तो उस कठपुतली के माध्यम से हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले नुक्कड़ नुक्कड़ पे जा जाके इसके प्रचार करते थे उस योजना का, कि देखो आज फलाना राजा आज ये योजना लेके आया है। तो सर हमारे खानदानी काम यही है, हम तो चाहते हैं कि हमारी कठपुतली कला ऐसे बढ़े और लोगों को पता लगे और जो आज की जनरेशन है उनको भी पता लगे। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं आदि महोत्सव के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा कृषि विशेष जारी रहेगा, जिसमें हम आपको आदि महोत्सव से जुड़ी कुछ और खास बातें बताएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते हैं कृषि विशेष। और प्रतिवर्ष मेरे को इससे लगभग 8 से 7 से 8 लाख रुपए का आमदनी हो रहा है। और पहले मैं जब इसमें धान और मक्के की खेती करता था, 2 सीजन में मक्का और धान का खेती करने के बाद भी मेरा इससे 2 लाख का कमाई नहीं होता था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना बेहतर योजना जो लागू किए हैं, इससे हमको लखपति बनने का मौका मिला। साथ ही साथ गाँव के जो निचले स्तर के लोग, उन लोग भी इससे फ़ायदा लेके लखपति बनने के और अग्रसित है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आपका जो सोच है वो साकार होने के लिए जा रहा है, और 2047 में भारत एक विकसित भारत के रूप में उभर के आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बता रहे हैं आपको आदि महोत्सव के बारे में, जहां हमें कला संस्कृति और इसके अलावा विरासत का एक संगम देखने को मिला। आदिवासी समाज द्वारा निर्मित ऐसे ऐसे उत्पाद थे जिन्हें देखते ही बनता था। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। कच्ची घोड़ी राजस्थान का मशहूर लोक नृत्य है। यहाँ के अलावा ये गुजरात और महाराष्ट्र में भी किया जाता है। इसमें नृतक नकली घोड़े पर सवार होकर नाचता है। कच्ची घोड़ी का आयोजन खुशियों के मौके पर या फिर बारातियों के स्वागत में किया जाता है। दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव में इस नृत्य ने सबका ध्यान खींचा और पर्यटकों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। ये भारतीय लोक नृत्य, भारतीय राजस्थान लोक नृत्य है,
और ये इसकी शुरुआत सेकावटी क्षेत्र से आरंभ हुई है और इसमें नर्तक कच्ची कोटी पर सवारी करता है। नर्तक चमक के दर्पण से सुसज्जित और फैंसी ड्रेस पहनता है और इसमें दूल्हे पक्ष के जो बराती होती है उनके मनोरंजन के लिए वो उनके कुछ अवसरों के लिए भी प्रदान किया जाता है, प्रसिद्ध किया जाता है। और इसको ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों में भी, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है और ये सामाजिक व्यवसाय से भी प्रदर्शित है। और ये कच्ची घोड़ी एक भौरे नाम का डकैत था, उसकी इसमें गथाई जाती है और उसको वो जो क्या करता था वो अमीरों का धन लूट करके गरीबों को बांटता था, उसका ये काम। प्रेम इंदवाल उत्तराखंड के चमोली से हैं। आदि महोत्सव में इनकी कई दिन परफॉर्मेंस रही और इन्होंने कई तरह के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। मेरा नाम प्रेम इंदवाल है, मैं उत्तराखंड जिला चमोली के सुदूर क्षेत्र सीमांत क्षेत्र नीतिमाणा घाटी से हूं और हम लोग यहां पे NCZCC के माध्यम से यहां पे आए हैं और हमने जो पहले दिन अपना कार्यक्रम किया था वो था हमारा पितृ मुखौटा नृत्य और दूसरा दिन जो हमने प्रोग्राम किया था वो था हमारा ऐतिहासिक पौना नृत्य। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि हमारी भोटिया जनजाति में आज जो नृत्य वाद्य यंत्र वेशभूषा ये विलुप्त हो रही है उस सब चीज़ का संरक्षण करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आदि महोत्सव जो कि ट्राइबल के ऊपर पूरा का पूरा महोत्सव आधारित था, जिसमें जो कलाएं थी वो भी, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे गायन की हो, या हम बैंड की बात करें, वो सारी की सारी कलाएं आदि कलाएं थी। उसके साथ साथ उनका जो क्राफ्ट की बात अगर हम करें तो क्राफ्ट भी आदि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनकी कलाएं थी, चाहे वो हम हैंडलूम की बात करें, हम बैम्बू क्राफ्ट की बात करें, हम पेंटिंग की बात करें या हम फिर पाक कला की बात करें, तो ये एक जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी जो कलाएं हैं उनका एक कहा जाए कि एक उसको एक विस्तार देना, हमारी यंग जनरेशन अपनी रूट्स को जान सके और उसके साथ साथ जो उनकी अपनी परंपराएं हैं, चाहे वो हम हैंडीक्राफ्ट की बात कर ले, चाहे हम उनके भोजन की बात कर रहे हैं या आयुर्वेदिक जो उनकी कहा जाए औषधियां हैं उसकी बात करें, उनके लिए एक बाजार तलाशना, ये जो हमारे परम आदरणीय मोदी जी की भी जो एक ये कल्पना है उसको भी ये कहीं ना कहीं साकार करती है कि हम आदिवासियों को आज की मुख्य धारा के साथ जोड़ रहे हैं और जो आज के मॉडर्न लोग हैं, जो तथाकथित मॉडर्न लोग हैं, वो हमारी अपनी विरासत को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को जानने का आदान प्रदान का ये इस तरह के महोत्सव कार्य करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हर महानगरों में इस तरह के महोत्सव को आयोजित किया जाना चाहिए। इस बार के आदि महोत्सव में लोगों की अच्छी खासी तादाद पहुंची, हालांकि इनमें ज्यादा संख्या दिल्ली वासियों की ही थी, लेकिन 9 दिनों तक चले आयोजन में एक दिन भी यहां आने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। मेरा नाम संगीता सहगल है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और बहुत से मेले यहां लगते रहते हैं दिल्ली में, NCR में, तो मैं अक्सर इन मेलों में देखने जाती रहती हूँ। मैंने बहुत से मेले विजिट करे हैं, लेकिन ये जो है ये सब आदिवासी लोग हैं जो दूर दूर से ट्राइबल्स हैं हमारे देश के, अपनी चीज़ें हाथ से बनाई हुई चीज़ें लेकर आए हैं इस प्रदर्शनी में। इन्होंने बहुत ही उत्साह से भाग लिया है और जो लोग यहाँ आए हैं वो भी बहुत ही उत्साहित हैं इन सबके सामान देखने में, लेने में, परचेजिंग शॉपिंग भी बहुत खुशी से कर रहे हैं इनका सामान लेते हुए। अब जैसे कि ये एक पीस है, ये यहाँ के ट्राइबल्स ने लौकी जो घिया पेड़ में उगता है, जब वो थोड़ा बड़ा साइज का हो जाता है तो उसकी सब्जी नहीं बनाई जाती, उसको इन्होंने यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर डेकोरेशन पीस बनाया है। तो इस तरह से देखिए इन्होंने बहुत से अपने आर्ट के पीसेस लगाए हैं डिस्प्ले में, सभी स्टॉल्स ने डिस्प्ले में अपना सामान लगाया हुआ है जो बहुत ही आकर्षित है और सभी के ध्यान का केंद्र है। मेरा नाम रेनू है, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, आई एम ए ट्यूटर। मैं पिछले साल भी आदि महोत्सव देखने के लिए आई थी। मुझे आदि महोत्सव में आके एक जो ग्रामीण माहौल और यहाँ के आदमियों का जो नेचर है
और यहाँ के सामान की जो ओरिजिनलिटी है ना, उसके कारण मुझे इतना आकर्षण हुआ कि मैं इस साल भी आई हूँ और मैंने इस साल भी यहाँ पर आकर शॉपिंग की है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आदि महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा, देखते रहे कृषि विशेष। शायद मैं आप जितनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अमन मेरा क्लासमेट है, लेकिन मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लाने का कोई हक नहीं है उसे। आपको ऐसा नहीं लगा महिपाल वीरजी और अमृत किरण और अमन के रिश्ते की बात लेकर आए थे? वो किरण के रिश्ते की ही बात करने आए थे। देखिए जहाँ चांद रहता है, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें हम बात कर रहे हैं आदि महोत्सव की। हमारी भारतीय संस्कृति में हाट, मेलों और उत्सवों का हमेशा से ही विशेष स्थान रहा है। यह हमें मौका देते हैं कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकें और नए आयामों को भी तलाश सकें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस आदि महोत्सव की कुछ और खास बातें आप तक पहुँचाते हैं। हर बार 12-13 दिन का आयोजन हुआ करता था, इस बार का महोत्सव 9 दिन ही रहा। फिर भी कारोबार के लिहाज से इसे सफल आयोजन कहा जा सकता है। आयोजकों ने भी अच्छे इंतजाम किए थे और पंडालों को खूबसूरती से सजाया था। ये महोत्सव जो है 10 दिनों से चल रहा है। पिछले 10 तारीख को शुरू हुआ और आज आखिरी दिन है, लेकिन अगर आप यहाँ आके माहौल देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जो है आज आखिरी दिन नहीं लग रहा है, पहला दिन लग रहा है। इतना जश्न है, इतना एक सेलिब्रेटरी स्पिरिट यहाँ है। और करीब 300 स्टॉल्स यहाँ हैं, जिसमें हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। उसको जो है हम लोग ट्राइफेड के माध्यम से कई सप्लायर्स, कई ट्राइबल आर्टिजन्स को ये हर साल आदि महोत्सव के ज़रिए, कई जगहों पर आदि महोत्सव होता है, दिल्ली का आदि महोत्सव सब लोग जानते हैं, बहुत मच अवेटेड इवेंट होता है। और उसमें हमारे इतने सारे ट्राइबल भाई बंधु आकर के अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और उसका खरीदारी बेचना, ये जो है एक प्रक्रिया चलता रहता है। इस बार इस आदि महोत्सव में कई और खूबियाँ भी थीं। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी हुए थे, कई वर्कशॉप्स हुए थे, लाइवलीहुड कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, हेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैसे जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स का अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो NST FDC ने अपना स्टॉल रखा है और उन्होंने अपना वर्कशॉप किया है कि किस तरह का जो है फंडिंग मिलता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। उसी तरह आयुष्मान कार्ड्स, आयुष्मान भारत कार्ड्स को बनाने के लिए यहाँ पर जो है मुहिम चला है और लोगों ने जो है उसका फ़ायदा उठाया है। यहाँ आप देखेंगे कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का एक पूरा एक कॉर्नर है, जहाँ पर आप ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान सकते हैं, उनका योगदान क्या रहा है, हमारे आज़ादी का जो स्ट्रगल था उसमें किस तरह उन्होंने अपना योगदान दिया है, ये आप जान सकते हैं। इस तरह कई जो है वेंचर कैपिटल स्कीम लेकर आए हैं हमारे मंत्रालय ने, और वेंचर कैपिटल स्कीम का एक स्टॉल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता आगे बढ़ी है, प्रकृति को होने वाला नुकसान भी बढ़ा है। विकास की अंधी दौड़ में इस धारणा को बदल देने का माहौल बनाया गया कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रगति संभव नहीं है, लेकिन जनजातीय समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे हैं। वो जीवन के हर पहलू में आसपास के पर्यावरण, पेड़ पौधों और जानवरों का ख्याल रखते हैं। आधुनिक दुनिया उनकी परंपरागत जीवन शैली से प्रेरणा ले सकती है।
आदिवासी महोत्सव के आयोजन में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ साथ केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री एवं जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी भी इस मेले में पहुंचे। आए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। ये एक अवसर देता है आदि महोत्सव के आदिकाल से रहने वाले सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों की विशेषताएं और उसको किस तरीके से भारत सरकार का जनजाति मंत्रालय कृषि मंत्रालय मिल करके अब कोशिश कर रहा है कि और अधिक इसमें गुणात्मक वृद्धि हो जी। गुणात्मक चीज़ों को हम सही ढंग से विथ क्वालिटी विथ डिज़ाइन और उनके जो एथनिक प्रोडक्ट है उसको हम सबके सामने लेकर के आए और उसको आगे बढ़ाएं जी। हमारा बंधन केंद्र के माध्यम से 3,500 से अधिक केंद्र में एक एक केंद्र में 300 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उसी तरीके से इस बार कृषि मंत्रालय के तरफ से भी यहाँ पर जो ट्राइबल FPO हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं कि वो किस तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अपने आप को सहभागी बना रही है और लीडरशिप ले रही है टूवर्ड्स बिजनेस। हमारी सरकार का मकसद है सबका साथ और सबका विकास। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आदि महोत्सव में खुद केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री एवं जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी भी पहुंचे और उन्होंने यहां पर विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर अवलोकन भी किया। हमने की उनसे विशेष बातचीत। आदि महोत्सव का उद्देश्य ये है कि एक मंच ऐसा हो जिससे उसकी कनेक्टिविटी उसका संपर्क उसका संवाद उसका बाजार और उसके उत्पाद को सही तरीके से मूल्य कैसे मिले ये सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए यहाँ पर बायर और सेलर एक ही मंच पर हैं, एक ही मेज़ पर हैं और देखिए मंत्री जी खुद उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ऑनेस्टली। इतने बायर हैं? हाँ जी बायर है, तो हम लोग एज अ बायर साइड हम लोग गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है, वो एक पर्सनल टच एक प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि जनता नहीं समझती है खरीदते हुए ऑनलाइन कि उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये कैसे उस प्रोडक्ट में जान डाल सकते हैं हम लोग लिस्टिंग करते हुए, तो वो हम लोग इनको जानकारी दे रहे हैं अभी के लिए। और हमारे साथ एक बहन है, आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी, खुद आए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने? मैं कहना चाहूँगी कि हम चाहेंगे साथ में नहीं, महेश्वरी साड़ी हम बनाते हैं तो हमको भी अच्छा बिजनेस मिलेगा, आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा, हमारी साड़ियाँ देश विदेश में जाएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये था हमारा आज का कृषि विशेष जिसमें आपने देखे आदि महोत्सव के तमाम रंग। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष कमरा नंबर 59A CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आशा करते हैं कि आदि महोत्सव से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आए तो आप हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मुखेर मधुकी रोईनी।